हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज लखनऊ में लोकल गेम लड़ रहा है हीरो काइट क्लब का, सेवन स्टार काइट क्लब की तरफ से। अभी मैं आपको अनूप भाई से मिलवाता हूँ, रजी भाई से मिलवाता हूँ, जो लखनऊ के बहुत, हम आपको मिलवाते हैं लखनऊ के बहुत ही पुराने पतंगबाज हैं जिन्होंने बहुत टाइम अपना पतंग में दिया। ये अनूप भाई हैं। अनूप भाई, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। धन्यवाद। अनूप भाई, आपने कितना टाइम दिया पतंगबाजी में और कब से पतंगबाजी आप कर रहे हैं? पतंगबाजी करते करते अभी करीब 32 साल हो गए जी। तो आपने हमेशा यही हीरो ही में लड़ाया है? हाँ, हमारा पहला और क्लब हीरो ही था, आज भी हीरो ही है। अच्छा, राइट फ्रॉम द बिगनिंग हम इसी क्लब में लड़ाए हैं और जब तक जिंदा रहेंगे इसी क्लब में लड़ाएंगे। अच्छा अच्छा, तो आपने कहाँ कहाँ लड़ाया पतंग, कहाँ कहाँ पतंगबाजी करी, किस किस शहर में जा जा के पतंगबाजी? बहुत शहरों में पतंगबाजी करी हमने। लखनऊ तो हमारा होम ग्राउंड है ही है। दिल्ली लड़ाया, कलकत्ता लड़ाया, बीकानेर लड़ाया हमने, अलीगढ़ लड़ाया हमने, कानपुर लड़ाया, बहुत बहुत शहरों में लड़ाया हमने। तो देखिए, आप 32 साल इन्होंने पतंगबाजी में दे दिया, हम लोग पैदा भी नहीं हुए तब किए, तब से ये पतंगबाजी कर रहे हैं। अब हम आपको अपने रजी भाई से मिलवाते हैं जिन्होंने बहुत टाइम दिया। स्वागत है रजी भाई। वालेकुम सलाम, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। हाँ। रजी भाई, देखिए पुराने जैसे लोग होते नहीं थे कि चादर लगे बिछी हुई और आराम से बैठे, देखिए वैसे ही रजी भाई हमारे बैठे हुए हैं। तो रजी भाई, आपने कितने टाइम दिया पतंगबाजी में? ये सब हमारे जूनियर हैं जी, जब हम लड़ाते थे तो ये हमसे बहुत छोटे हैं। अच्छा, रजी भाई हमसे भी सीनियर हैं क्लब में। अच्छा अच्छा अच्छा, रजी भाई ने भी तकरीबन 35 साल इन्होंने दे दिए पतंगबाजी को। और आज हमें मैदान में लाने वाले हमारे बड़े थे, बुजुर्ग थे जी, जो हम लोग बहुत सपोर्ट भी करते थे जी। तो वही लाने वाले, वही लड़वाते भी थे हम लोग को, उन्हीं की बदौलत आज हम लोग मैदान में इतना दिखते हैं। मतलब अच्छा, ये हीरो क्लब कहाँ का है? हीरो क्लब हमारा पहले ये मौलवीगंज का जी, जाना यही जाता है मौलवीगंज के ही नाम से। अच्छा, अब चूँकि ज़्यादातर हम लोग खास में, ये नवाब साहब का क्लब था। अच्छा, नवाब साहब का। हाँ, नवाब साहब का क्लब था जिन्होंने हमारे बुजुर्गों को दिया था, उसके बाद से हम लोग चला रहे हैं, हम और अजीब भाई मिलकर इस क्लब को चला रहे हैं। अच्छा अच्छा, आप अपने मेंबरों से मुझे मिलवा दिए, बहुत ही मतलब ऊपर के मायानाश प्लेयर हैं हमारे। अच्छा, उन्होंने दो पेज काटे भी हैं, अरे बहुत शानदार काटते हैं, अगर इनको हवा मिल जाती है तो बहुत अच्छे अच्छे गद्दे मारते हैं। नाम तो बताइए। ये परवेज आलम नाम है इनका, इनका परवेज आलम नाम है। इन्होंने अभी दो गद्दे बहुत अच्छे मारे हैं, शानदार लड़ाते हैं। पता आगे आला तब तो बता दिए। ये मनु भाई लड़ाइए, मनु भाई बनवाते ये हमारे मेहंदी भाई हैं, आप देखे मिलिए, अभी इन्होंने 9 काट दिए। ये रजी भाई के लड़के भी हैं, और ये रजी भाई के लड़के भी हैं, इन्होंने बहुत अच्छे अभी 9 काटे हैं। मेहंदी भाई, स्वागत है हमारा YouTube चैनल में आपका। आपने 9 काटे, कैसा रहा एक्सपीरियंस? क्या रहा भाई, पतंगबाजी सब पावर के दम पे, इन्होंने ये पावर के इन्होंने सब बेल लड़ा लिए, सब ताकत के। देखिए हमारे सलमान भाई उधर इंजॉय कर रहे हैं आज की पतंग को। ये पूरे आते हैं, खाने ही आते हैं हम लोग भैया। ये पूरे हफ्ते करने आते हैं, ये पूरे हफ्ते परेशान रहते हैं कि जुमेरात का दिन कब आएगा, थर्सडे का दिन कब आएगा और कब मेरी पतंग लड़ेगी। यहाँ आए हैं सिर्फ खाने के लिए हम। अच्छा, वहाँ क्लबों में लड़ाओ तो खाना मिलता ही नहीं आएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं हम तो पूरे पिकनिक की तरह इसको पकड़ के एंजॉय करते हैं। हमारी हमारा क्लब है, हम लोगों का शौक है। शफात भाई का 5/6 बेल लड़ा है शायद नीचे से, हीरो काइट क्लब की तरफ से। ये लड़ रहा है पेच, शायद 5/6 पेज लड़ रहा है शफात भाई का। पुद्दन भाई शफात भाई को चरखी दिखा रहे हैं, बराबर में उसके मन्नू भाई खड़े हुए हैं, मन्नू भाई काइट मेकर। ये बेज लड़ रहा है, ऊपर वाला चेहरे पे आ रहा है, जो का लोकल गेम सेवन स्टार काइट क्लब से लड़ रहा है। ये खींच दिया, बहुत बेहतरीन पेज काट दिया शफात भाई ने खींच के। शफात भाई ने 6 काट दिए, बहुत उमदा काट दिए नीचे से। ये हैं शफात भाई कैप में। तो शफात भाई, कैसा रहा एक्सपीरियंस पतंग का, और आप कब से उड़ा रहे हैं पतंग?
हमें बहुत टाइम हो गए, 10 साल हो गए पतंग उड़ाते हुए। उधर देखिए, अच्छा 10 साल हो गए जी। उद्दन भाई ये चैंपियन बहुत ही कर पुद्दन भाई को तो कौन नहीं जानता। पुद्दन भाई हाथ दिखाई, पुद्दन भाई ऐसे करके। ये हमारे पुद्दन भाई हैं ब्लैक टी शर्ट में, जिन्होंने यहीं से। ये हमारे पुद्दन भाई हैं जिन्होंने 2016 का ऑल इंडिया टूर्नामेंट जीता। इनके साथ सैफी भाई भी थे। सैफी भाई दुखद है उनके लिए कि वो बेचारे, उनकी डेथ हो गई इस ईयर में। तो पुद्दन भाई, आपने जब जीता 2016 का, तो कौन कौन टीमें उसमें भाग लिए हुई थी और कहाँ से आपने जीता? हम लोगों ने इसी मैदान में जीता था, मजार वाले थे, और जो है सब शहरों की टीमें थी जी। फाइनल हम लोग का इलाहाबाद की टीम से लड़ा था। अच्छा जी, तो क्या रहा था उसमें स्कोर कार्ड, क्या रहा था? 5-9 से जो है जीता था हम लोग। जी जी जी, तो आपका वो पहला टूर्नामेंट था? नहीं, ऑल इंडिया हम लोग का वो था, तीसरा टूर्नामेंट था। अच्छा, जीता पहला आपने था वो? पहला जीता मैं। जी जी जी, देखिए यही है पुद्दन भाई, जिन्होंने कुछ समय के लिए पतंग बंद कर दी थी, लेकिन माशाल्लाह से अब वापसी कर लिए इन्होंने हीरो काइट क्लब में। भाई दूसरी पतंग डाल। ये रहा अगला पेच। बहुत ही खूबसूरत पेच काट दिया शफात भाई ने। शफात भाई का 8वां पेज लड़ रहा है। 7 बहुत खूबसूरत काट दिए शफात भाई ने, ये पेज लड़ रहा है। उधर वाला हल्का चेहरे पे रख के लड़ा रहा है। बाद में एक झुकाई देके स्ट्रेट खड़ा खींचा है। बचा लिया शफात भाई ने। बहुत ही खूबसूरत 8वां पेज काट दिया शफात भाई ने, उसने डबल का पेज लड़ाया था। शफात भाई का ये 9वां पेज लड़ रहा है मजार वाले ग्राउंड से। आर्ट बहुत खूबसूरत काट दिए शफात भाई ने। 9वां पेज फिर गया है, ये लड़ रहा है। आराम से लड़ रहा है 9वां पेज। अगला ऊपर वाला भी जल्दी नहीं कर रहा है, थोड़ा चेहरा पकड़ के लड़ा रहा है वो। ताकत का तो लड़ेगा 9वां। बहुत बेहतरीन काट दिए 9वां। अनूप भाई का पेच आ गया है नीचे से। इस एज में भी पतंगबाजी कर रहे हैं अनूप भाई। बहुत ही खूबसूरत पेज अनूप भाई ने काट दिया।